HOCD का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, HOCD से होने वाली शारीरिक हानियां क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि होमोसेक्सुअल OCD से शरीर को कौन कौन से नुकसान होते हैं, शरीर को किस तरीके से यह होमोसेक्सुअल OCD हानि पहुंचाती है। तो होमोसेक्सुअल OCD के जितने भी लोग होमोसेक्सुअल OCD से सफरिंग कर रहे हैं, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, तो उनको सबसे बड़ी परेशानी तो इसके अंतर्गत यही आती है कि वह फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है, यह एक शारीरिक हानि ही तो है कि वह किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर वह किसी हाथ से भी कोई कार्य को कर रहे हैं ना, तो अचानक से सिचुएशन से कटेंगे तो वह उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि या तो होमोसेक्सुअल OCD का जो सफरर है उसका वजन है वह अचानक से बढ़ जाएगा या फिर अचानक से नीचे गिरेगा। बहुत सारे होमोसेक्सुअल OCD के जो सफरर होते हैं उनको क्या होता है कि उनके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, यह भी चीज उनके साथ होती है कि बाल झड़ने लग जाएंगे। बहुत सारे होमोसेक्सुअल OCD के सफरर हैं उनको भूख कम लगेगी, भूख बहुत कम लगती है। आमतौर पर मैंने जितने भी केस देखे हैं तो होमोसेक्सुअल OCD के अंतर्गत जितने केस आते हैं उनके अंतर्गत उनको यही चीज होती है कि भूख कम लगती है। और जो बचे हुए केस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 78% केसेस में यही पाया जाता है भूख बहुत कम लगती है, परंतु जो बचे हुए मात्रा में मैं बात कर रहा हूँ ना, उन सब लोगों को भूख अत्यधिक लगती है। एवरेज इस चीज को मेंटेन इतना किया नहीं गया है, तो या तो अत्यधिक मात्रा में लगेगी या बिल्कुल कम लगेगी। सोने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत बात निकल करके यह आती है कि होमोसेक्सुअल OCD के जितने भी सफरर हैं उनकी नींद नाइट में टूटती है। 98% केस ऐसे पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत सफरर की नींद नाइट में टूटती है। अब इसके अंतर्गत इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और मैं बताता हूँ, उसके अंतर्गत उनको क्या लगता है कि या तो कोई मेल है तो हमने मेल के साथ सेक्स कर लिया, या मेल ने हमारे साथ सेक्स कर लिया, या कोई फीमेल है तो उसको लगता है कि मैंने कोई फीमेल के साथ सेक्स कर लिया, या कोई फीमेल आकर मुझे टच कर रही है, या ये हो गया या वो हो गया, ये चीज चलती है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को इसके अंतर्गत यह भी रहता है कि मुझे नाइटफॉल हो गया। बहुत सारे लोग तो नाइट में हाथ लगा करके देखते रहते हैं बार बार अंडरवियर को कि इधर नाइटफॉल तो नहीं हो गया क्या, ये नहीं हो गया क्या, वो नहीं हो गया, क्योंकि एकदम से जो उनके सपने में वह चीज चलती है ना कि मेल के साथ सेक्स हो रहा है या मेल के प्रति उनको थॉट आता है, क्योंकि पूरा दिन में तो वह यही सोचते हैं ना, मुझे इसके बारे में थॉट ना आए, मैं ये नहीं सोचना चाहता, मुझे ये क्यों दिखाई दे गया, ये लड़का इतना सुंदर क्यों लग रहा है, ये है वो है, तो ये चीजें सोचते हैं। तो नाइट में यही चीज चलती है स्मृति पटल पे, अब यही चलती है तो सपने में वही चीज बनती है, और सपने में फिर वो उल्टी सीधी चीजें साथ में जुड़ती है तो वो हड़बड़ाहट रहती है उनको कि ये क्या हो गया। तो बहुत सारे लोगों को तो इसके अंतर्गत डर भी लगता रहता है कि कहीं नाइटफॉल ना हो जाए, और बहुत सारे लोगों को इसके अंतर्गत नाइटफॉल होता ही होता है, और नाइटफॉल होगा तो आपको पता है किस किस तरीके की परेशानियां होगी। अगर नाइटफॉल होगा तो आपकी जो शारीरिक क्षमता है वह घट जाएगी, मानसिक क्षमता घट जाएगी, वेट आपका नीचे गिरेगा, ठीक है, सोने की जो आपकी क्षमता है वह नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब ये चीजें हो रही है, तो अब ये चीजें होगी तो देख लो शारीरिक रूप से तो नुकसान हो रही है, और इन सब चीजों की जो जड़ है वह यही है कि सुबह में आप क्या सोच रहे हैं। अगर इस बात को आपने पकड़ लिया ना, तो इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। मैं होमोसेक्सुअल OCD के जितने भी सफरर हैं उनसे यही बोलता हूँ कि दिन में आप सोचते क्या हो, सोचते क्या है, अपने आप आता है, अपने आप गलती से अच्छा क्यों नहीं आता, इसके ऊपर भी सोच के देखो। और अगर मान लिया मैंने कि गलत आता है, मान लिया मैंने कि अपने आप नेगेटिव थॉट आते हैं, आप जानबूझ करके अच्छा सोचने की कोशिश करो, आप जानबूझ करके अच्छा सोचने की कोशिश करो। नेगेटिविटी वाली को जो सब्जी मंडी में वो होते हैं ना, वो पानी डाल डाल करके उसको ताजा रखते हैं, वैसे आप ताजा रखते हो नेगेटिविटी को, तो फिर नेगेटिविटी तो हावी रहेगी आपके ऊपर, स्वाभाविक सी बात है, तो आप क्यों कर रहे हो, जानबूझ करके पॉजिटिव सोचो ना। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरी नाइट में नींद टूटेगी, मुझे ये होगा वो होगा, आज मैंने इस लड़के को देखा अभी ये मेरे दिमाग में चलेगा, ये है वो है, ऐसा वैसा क्यों क्यों करते हो ऐसा, ठीक है। तो इन बातों को समझना है। अगर आप अपने रात को सोने वाले पैटर्न पे अगर आपने काम कर लिया ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि होमोसेक्सुअल OCD के अंतर्गत मैंने बहुत सारे लोगों की यही चीज देखी है कि उनको या तो नाइटफॉल होगा, नींद टूटेगी, ये दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। अगर नाइटफॉल होगा तो शारीरिक और मानसिक ह्रास आपका होगा ही होगा, और ये चीजें होगी तो भूख भी कम लगेगी और आपकी जो समर्थि है वह डाउन जाएगी, और वेट भी अधिकतर समय यही देखा गया है कि वेट बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है इसमें,
अब ये नुकसान तो होंगे आपको, इनसे उभरना है तो अपने दिन के रूटीन को ठीक करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है कि नहीं है। अब इसके अंदर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इससे जुड़ती जुड़ती बताता हूँ आपको। होमोसेक्सुअल ओसीडी से जितने लोग सफरिंग करते हैं ना, वो क्या होता है कि एक वेग बनता है उनके इर्द गिर्द, क्योंकि पूरे दिन में उन्होंने वही सोचना, माइंड में कौन सा वर्ड काम करता है, कीवर्ड कौन सा काम करता है, सेक्स का, इसके साथ सेक्स ना कर लूं, इसके प्रति ये थॉट गया, ये वो सेक्स का कीवर्ड काम कर रहे हैं। जिस दिन ये सेक्स का कीवर्ड अपने तल पे आ जाता है ना, हमारा एक तल होता है अंदर, उस तल के ऊपर आकर के ये ट्रिगर करता है ना जब चीज को, समझे, ट्रिगर करता है, तो उस समय हमारे अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है कि अब मास्टरबेशन करना है, मास्टरबेशन करना है, क्योंकि सबसे बड़ा तो हथियार वही होता है मास्टरबेशन करने का, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि मास्टरबेशन के प्रति उत्साहित होते हैं। अब पूरे दिन से दिमाग में क्या चीजें घूम रही थी पिछले 7 दिनों से, सेक्स, इधर इसके प्रति थॉट ना आ जाए, इसका ये, इसका वो, ये हैंडसम, ये वो, ये सब चीजें चली थी ना, अब ये एकदम से प्रगाढ़ होकर इनकी आंधी आ गई इकट्ठी होकर के, और अब ये आपको गिराएगी, इसके अंदर गिराएगी, कैसे, आप मास्टरबेशन करोगे, या मास्टरबेशन करोगे या कोई गलत हथकंडा अपनाओगे, सीधी सी बात है, दोनों भी चीज करोगे तो माइनस में ही जाना है। अब माइनस में गए, अगर आपने मास्टरबेशन किया तो शारीरिक और मानसिक ह्रास आपका हो गया, ठीक है, शारीरिक और मानसिक ह्रास हुआ तो ओवरऑल किसका नुकसान हुआ, सारी चीजें घूम रही है ना, एक साथ जुड़े हुए हैं ना सारा सर्कल, इसी बात को समझना है। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं ना होमोसेक्सुअल ओसीडी के सफरर, उनकी ये चीजें पहले बंद करवा देते हैं कि आज से मास्टरबेशन करना बंद, ठीक है, तब जाकर के इन चीजों पे नियंत्रण होता है। फिर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चीजें बताई जाती है, कुछ टिप्स ट्रिक्स होते हैं, वो यहाँ तो नहीं बोल सकते, वो बताए जाते हैं, तब जाकर के ये चीजें कंट्रोल होती है, और इसकी जो ऊर्जा निकलती है ना, जो उस तल पे जाती है, वहां एक ऊर्जा का लेवल बनता है, उसको डाइवर्ट किया जाता है, तब जाकर के ये चीजें कंट्रोल में आती है, सीधी नहीं होती ये चीजें कंट्रोल, ठीक है ना। तो अगर आप होमोसेक्सुअल ओसीडी के सफरर हो और लंबे समय से आप सफरिंग कर रहे हो, तो मेरा पर्सनली सजेशन आपके लिए यही है कि किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करें, अपने जीवन को अंधकार में मत डालें, उल्टे सीधे हटकंडे मत अपनाएं, ठीक है, एक अच्छा रास्ता चुनें, उसके ऊपर चलें, ठीक है। और अगर इसके अंतर्गत आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके हेल्प लें, और फिर इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, ठीक है, खुद से इसके अंदर गलत एक्टिविटी न करें, खुद से इसमें गलत तरीके से चलने का अभ्यास न करें। अगर आप इन सब रूल को फॉलो करते हो तो बहुत जल्द आपकी ओसीडी समाप्त हो जाती है। और मेरा पर्सनली सजेशन यही है कि एचओसीडी के जितने भी सफरर हैं, ऑनलाइन सर्च न करें, किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।